नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा सैमसंग गलेक्सी S20 या फिर 5G की। दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 5G है सैमसंग की तरफ से, और दोस्तों ये आपको अभी अमेजन सेल में काफ़ी अच्छी कीमत में देखने को मिल रहा है। तो आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि दोस्तों जो बॉक्स है इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, क्या क्या मिलता है फ़ोन के साथ, और दोस्तों इस फ़ोन में हमें क्या क्या दोस्तों फीचर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और ये कितने का फ़ोन है सबको दोस्तों ये वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S20 या फिर 5G, जिसका दोस्तों मेरे पास मिंट कलर है, आप देख सकते हो। क्यों दोस्तों, जिस कलर का हम मोबाइल लेते हैं इस सीरीज़ में S20 में, उसी कलर से दोस्तों यहाँ पे S20 या फिर लिखा हुआ आता है, S20 लिखा हुआ आता है। ये देखिए, तो मेरे पास इसका मिंट कलर है। दोस्तों इसके के हाईलाइट की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों साफ मेंशन किया हुआ है S20 या फिर 5G। साइड में दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये दोस्तों कुछ ये इमेज सी बनी हुई हैं, स्माइली वगैरह बनी हुई है दोस्तों बॉक्स ऊपर, जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी कूल लगती हैं। साइड में दोस्तों इसमें सैमसंग गलेक्सी S20 5G का यहाँ पर दोस्तों लोगो यही नाम लिखा हुआ है, और दोस्तों इसके पीछे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता क्योंकि इस पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अब दोस्तों मैं आपके सामने इसको अनबॉक्स करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमें एक बॉक्स और मिलता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मिलती है हमें इसके अंदर एक सिम इजेक्टर पिन, ये एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। इसको ओपन करता हूँ। जैसे दोस्तों आपको पता है कि इसके अंदर हमें ना तो कोई कवर मिलता है और ना ही दोस्तों कोई ईयरफोन वगैरह मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये रीजनल लॉक गाइड है, जिस क्योंकि दोस्तों ये एक इंडियन स्मार्टफोन है, पहले आपको दोस्तों इसमें इंडियन सिम डालनी पड़ेगी, इसके बाद आप इसे किसी और कंट्री में यूज कर सकते हो। और दोस्तों जी एस की क्विक स्टार गाइड, जिसमें दोस्तों आपको इस फ़ोन के बारे में बताया गया है कि इसमें आपको क्या क्या सिक्योरिटी मिलती है, क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, और जी है दोस्तों इसका वारंटी कार्ड सैमसंग की तरफ से। तो दोस्तों आप चाहो तो इन्हें रीड वगैरह कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों जैसे डिवाइसेस को आपको दिखाऊंगा, ये है दोस्तों बॉक्स, इसके अंदर दोस्तों आपको मिलता है ये 15 वॉट का फास्ट चार्जर। दोस्तों फास्ट चार्जर तो खैर नहीं है, ये 15 वॉट का है, तो आप उससे ही उम्मीद ला सकते हो कि कितना फास्ट चार्ज करेगा ये आपके फ़ोन को। और दोस्तों ये है इसकी डाटा केबल, ये देखिए इसकी डाटा केबल है, जो दोस्तों एक USB A to C टाइप डाटा केबल है, ये देखो ये सी टाइप डाटा केबल है, और इधर दोस्तों आपको USB पोर्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों जिसमें ये फ़ोन सपोर्ट तो करता है दोस्तों फास्ट चार्जिंग को, बट आपको इसमें अंदर मिलता है सिर्फ 15 वॉट का फास्ट चार्जर। तो दोस्तों देखिए, जी है वो मोबाइल S20 या फिर 5G 128 वाली वेरियंट। दोस्तों जी मेरे पास मिंट कलर है, तो दोस्तों मिंट कलर में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों मैंने ये कहाँ से ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है, जब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और साथ ही दोस्तों मैंने इसका एक कवर भी मंगाया हुआ है, ये देखिए इसका बैक कवर मंगाया हुआ है, जो मैंने कितने का लिया है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों इन दोनों का लिंक, बेस्ट बाय लिंक कवर का और मोबाइल का, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हमें मिलती है 6.53 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ मिलता है दोस्तों हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर देखने को मिलती हैं। साइड में दोस्तों आपको मिलते हैं जो दोस्तों बटन मिलते हैं, जो पावर जो दोस्तों बटन है वॉल्यूम अप डाउन का, और जो दोस्तों पावर के का बटन, जिसमें दोस्तों आप मोबाइल को ऑन ऑफ कर सकते हो, या दोस्तों आप इससे बिक्सवी का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों इसके ग्लास में हमें इस मोबाइल के डिस्प्ले में हमें प्रोटेक्शन मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की, और प्लस दोस्तों इसका बैग जो है ये प्लास्टिक का है, लेकिन दोस्तों जब आप इसको यूज करते हो तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप एक प्लास्टिक का फ़ोन यूज कर रहे हो, बट मुझे तो दोस्तों मुझे दोस्तों जो ग्लास वाले मोबाइल होते हैं उनसे अच्छा प्लास्टिक का लगता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बाई चांस हमारा फ़ोन कहीं गिर जाता है कवर लगाने के बाद भी, तो दोस्तों जो ग्लास वाले बैक कवर होते हैं वो आसानी से चटक जाते हैं, बट इनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अब दोस्तों बात करता हूँ इसके बैक कैमरे की, तो दोस्तों इसमें मिलते हैं हमें 3 बैक कैमरे का सपोर्ट, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो दोस्तों 12 मेगापिक्सल का,
दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा दोस्तों 12 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों जो हमें S20 Plus और S20 में कैमरा देखने को मिलते हैं सेम भाई दोस्तों कैमरा हमें मिलते हैं S20 FE में, क्योंकि दोस्तों ये भी एक फ्लैगशिप फ़ोन है जिसकी जो अब जो लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस दोस्तों 50,000 रुपये के आसपास थी, बट अभी ये थोड़ी कम हो चुकी है। और दोस्तों इसके साइड में मिलता है, ये जो साइड में दोस्तों रिंग दी गई है ये दोस्तों मेटल की है, तो इस पर आसानी से स्क्रैच नहीं आएंगे ना ही दोस्तों इसका कलर उतरेगा। इसके नीचे बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलता है माइक, यहाँ मिलता है सी टाइप पोर्ट और ये है दोस्तों इसका स्पीकर। दोस्तों इस फोन में हमें डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं, एक स्पीकर दोस्तों यहाँ पर है ये देखिए इधर, और दूसरा स्पीकर दोस्तों इसका ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, ये डुअल स्पीकर के साथ आता है। तो इसको दोस्तों मैं ऑन करता हूँ ये देखिए, फिर आपको मैं और दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमें काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, और इसका दोस्तों जो 4G वाले वेरियंट था उसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दी थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में आकर चेक कर सकते हो। पहले मैं इसको सेटअप करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस फ़ोन को सेटअप कर दिया है ये देखिए, अब मैं दोस्तों आपको ले चलता हूँ इस सेटिंग के अंदर, अब आपको फ़ोन में ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये है मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G जो कि दोस्तों हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ। दोस्तों ये एक 5G फ़ोन है, 5G रेडी फ़ोन है, और इसमें दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसका कैमरा, दोस्तों देखिए जिसका कैमरा है ये देखो, तो कैमरा इसका फोन काफ़ी अच्छा है दोस्तों देखिए, बिल्कुल भी दोस्तों फटेगा नहीं फोटो ये देखो। दोस्तों कैमरे के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और दोस्तों इसके फीचर की बात करूं तो इसमें दोस्तों आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है, और वहीं दोस्तों अगर आपके पास कोई और डिवाइस है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आप इस फ़ोन के ज़रिए उस डिवाइस को भी रिवर्स चार्जिंग के यूज़ से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वायरलेस चार्जिंग का रिवर्स चार्जिंग वाला फीचर। दोस्तों मेरे पास देखिए ये है सैमसंग गलेक्सी वॉच एक्टिव 2 जिसमें दोस्तों आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, तो मैं इस डिवाइस से आपको इस फ़ोन से इस वॉच को चार्ज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है ये, मैं इसको ऑन करता हूँ देखो, तो दोस्तों देखिए देखिए हमारी वॉच इससे चार्ज हो रही है। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये मेरी वॉच है जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, और दोस्तों जो मोबाइल है ये भी वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और रिवर्स चार्जिंग को भी दोस्तों ये सपोर्ट करता है। तो इस मोबाइल के ज़रिए दोस्तों मेरी वॉच चार्ज हो रही है देखिए, यहाँ पर चार्जिंग का लोगो बना हुआ आ रहा है, और अभी मेरी वॉच में 52% बैटरी है और दोस्तों इससे चार्ज हो जाएगी। तो इस फ़ोन के अंदर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ आपसे इस फ़ोन की प्राइस की। दोस्तों ये फ़ोन आपको मिल जाएगा उस सेल के अंदर 36,999 रुपये का, और दोस्तों अगर आप बैंक ऑफर वगैरह लगाते हो तो आपको जो और भी कम का पड़ सकता है, बट दोस्तों मैंने इसको ख़रीदा है अपनी मार्केट से ही, दोस्तों मैंने अपनी मार्केट से इसको ख़रीदा है सिर्फ 33,500 रुपये में। दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है 33,500 रुपये में, क्योंकि इतना ऑफर तो हमें ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा, मैंने इसको अपने SDF कार्ड वगैरह लगाकर अपनी मार्केट से ख़रीदा है सिर्फ 33,500 रुपये में। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो कवर जो मैंने साथ में लिया था, तो दोस्तों देखिए ये है इसका बैक कवर देखो, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसमें दोस्तों आपको ये काफ़ी अच्छी फिनिश देखने को मिलती है ये देखिए, और देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। और तो सबसे अच्छी बात इसमें आपको एक कैमरे का दोस्तों लेंस होता है वो एकदम उस पर दोस्तों पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है देखने को। मैं आपको मोबाइल लगा के दिखाता हूँ इसमें ये देखो, तो दोस्तों देखिए हमारा फ़ोन एकदम से इसमें कवर हो चुका है, कैमरे दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से कवर है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा देखने में कवर लग रहा है, ये फ़ोन को पूरी तरीके से इसमें प्रोटेक्शन मिल चुकी है ये देखो, बटन भी इसके काफ़ी अच्छे तरीके पर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इसको लेना चाहते हो
अब ऑनलाइन, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।